नमस्कार दोस्तों, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी आपका स्वागत है। आज हम बात करें हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक वक्रीय पृष्ठ पर दाब। जो हम बात कर रहे थे इससे प्रीवियस वीडियो में, हमने बात की थी तरल पदार्थों के गुणधर्म में आयलर समीकरण पे, तो उसी चैप्टर के अंदर है, लास्ट टॉपिक है अपना, एक वक्रीय पृष्ठ पर दाब कैसे होता है, क्या होता है। यानी वक्रीय पृष्ठ से हमारा मतलब है कि अगर किसी पृष्ठ क्या करती है, वो द्रव तरल की तल की जो उत्तल है, अवतल होगी या क्षैतिज होगी, ये हमने स्पर्श कोण से पढ़ा है कि वो किस प्रकार की आकृति ग्रहण करेगा, और उसके साथ एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो द्रव तल की आकृति है वो ठोस चीज़ कौन सी है और द्रव वो कौन सा है। यानी चांदी हो, उसके साथ पानी है, या पारा और चांदी, कांच और पानी, तो ये अलग अलग ठोस और द्रव के कारण लगने बनने वाले स्पर्श कोण के आधार पे द्रव तल क्या करती है, उत्तल और अवतल और क्षैतिज प्रकार की होती हैं। और ये जो अपना उत्तल अवतल और क्षैतिज तल है वो उसके स्पर्श कोण पे निर्भर करता है, और उस स्पर्श कोण का मान है वो आसंजक और सहसंजक बलों के कारण ही होता है। तो हम नॉर्मली हम यही जानते हैं कि अगर हमारे पास स्पर्श कोण की मान ज़्यादा होगा स्पर्श कोण का, तो उस द्रव क्या करती है वो उत्तल आकृति होगी, और कम होगा तो अवतल होगी, और लगभग 90 डिग्री होने से वो बिल्कुल क्षैतिज होगी। तो अलग अलग द्रवों के लिए वो अलग अलग हैं। तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि द्रव पृष्ठ पर दाब आधिक्य क्या है, एक्सेस प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस। और उस द्रव पृष्ठ के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, उसमें एक तो आता है साबुन का बुलबुला और दूसरा आता है एक द्रव की बूंद। तो यहाँ पे हम ये माने कि जो हमारा एक द्रव है उसका एक आयत के रूप का एक अल्पांश ले लिया हमने, उस अल्पांश पे हमने फॉर्मूला देना है, दाब आधिक्य का व्यंजक देना है। तो मेन टॉपिक अपने पास है वक्रीय पृष्ठ पर दाब क्या होगा। तो ये थोड़ा बहुत नॉर्मली ऐसे 2T/R, 4T/R, ये थोड़ा बहुत 12th में भी आता है और 11th के अंदर भी आता है, तो यहाँ पे पूरा डेरिवेशन है उस चीज़ का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दाब आधिक्य का व्यंजक हमें निकालना है, तो उसमें हम पहले मान लेते हैं कि एक द्रव का आयत रूपी वक्रीय लघु अल्पांश है, जिसकी त्रिज्याएं R1 और R2 और भुजाएं X और Y है। यानी एक आयत ले लिया हमने, इसमें R1 त्रिज्या तो इसकी है जो इसकी X भुजा है और Y हो गया, और एक इससे पीछे यानी थोड़ा सा पीछे R2 डिस्टेंस और बढ़ने से उसकी दूसरी भुजा जो बैक वाली है वो X+ ∆x होगी, ∆z से बढ़ जाएगी और Y+ ∆y हो जाएगी। तो ये एक उस द्रव बूंद का हमने आयत रूपी अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश के आधार पे हम ये बताना है कि इसमें दाब आधिक्य का व्यंजक क्या होगा इस द्रव पृष्ठ के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक तो हमने सिर्फ एक्स वाला ले लिया, एक हमने सिर्फ वाई वाला ले लिया। तो इस डायग्राम में देखिए θ1 तो कोण हमने मान लिया, R1 दूरी पे तो x चाप है, ∆z और बढ़ने से R2 दूरी पे अपने पास x+ ∆x का चाप है। तो नॉर्मली इसमें फॉर्मूला लगाना है अपने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का, ये चाप हो गया तो इसके लिए ये त्रिज्या होगी, ये चाप हो गया तो इसके लिए ये टोटल R2 या R1+ ∆z हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम θ2y के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माना संतुलन अवस्था में दाब आधिक्य P है। दाब आधिक्य का मतलब ये होता है कि अगर एक द्रव बूंद की बात करें या साबुन के बुलबुले की बात करें, तो उसके बाहर जो वायुमंडलीय दाब है उसकी तुलना में उसके द्रव बूंद के अंदर का जो दाब होगा वो कुछ ना कुछ अधिक होना चाहिए, क्योंकि तभी वो स्टेबल रह पाएगा, संतुलन रह पाए, नहीं तो वो बुलबुला बनते ही फूट जाएगा, क्योंकि बाहर से दाब अधिक हुआ तो बुलबुला स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो वो जो थोड़ा सा दाब में अंतर होता है उसे हम दाब आधिक्य कहते हैं, जिस कारण से बुलबुले जो हैं वो संतुलन में रहते हैं। तो द्रव पृष्ठ को हमने ∆z विस्थापन देने पे भुजाएं हमारे पास x+ ∆x होगी और y+ ∆y हो जाती हैं। अतः P द्वारा यानी दाब द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य हम जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। हमारे पास यहाँ बल की बात नहीं कर रहे, हम दाब की बात कर रहे हैं, तो हम दाब को लिख सकते हैं, बल को लिख सकते हैं दाब इंटू क्षेत्रफल, यानी P दाब A उसका एरिया, दाब इंटू क्षेत्रफल जो हमने यहाँ PA से लिखा, और विस्थापन हम दे रहे हैं ∆z, तो PA ∆z हो जाएगा वर्क, ये ∆z विस्थापन है। तो A एरिया क्या है, संतुलन अवस्था की बात कर रहे हैं, तो X और Y पहले भुजाएं हैं उसकी, तो A एरिया आ जाएगा PXY ∆z समीकरण नंबर 1।
अब हमने ये कहा कि हम डेल जेड से विस्थापन और दे रहे हैं समतुल्य अवस्था से, तो उस द्रव पृष्ठ में वृद्धि कितनी होगी। वृद्धि को हम मान लेते हैं अल्पांश है, तो ये है डेल ए। डेल ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स भुजा वो एक्स प्लस डेल एक्स होगी, वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा बढ़ाने पे, और माइनस के जो प्रारंभिक है वो एक्स वाई हो जाएगा। इसमें से ये घटा दियो तो ये अपना जो अंतर आएगा वो बच जाएगा। तो अंतर कितना है, डेल ए बराबर अपने पास अंतर आ जाएगा, डेल ए बराबर मल्टीप्लाई करें एक्स वाई एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई माइनस के एक्स वाई। माइनस के एक्स वाई से प्लस एक्स वाई खत्म हो जाएगा। डेल एक्स और डेल वाई को हम नगण्य मान लें, क्योंकि ये जो हम कहेंगे अल्पांश के अंदर ये वृद्धि बहुत ही कम हुई है, बहुत ही छोटी। तो नगण्य मानने के बाद हमारे पास डेल ए का जो मान बचेगा एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स समीकरण नंबर दो। तो फिर हम जानते हैं पृष्ठ ऊर्जा कार्य में संबंध होता है, यानी हम पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ ऊर्जा पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू बराबर टी डेल ए होता है। पृष्ठ तनाव की परिभाषा से हम ये चीज़ें नॉर्मली जानते हैं, इलेवंथ में भी आती है और यहाँ भी बीएससी में पढ़ा है, इससे पीछे जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है बिल्कुल ईजी है। तो डब्ल्यू बराबर टी डेल ए रिलेशन होता है एक पृष्ठ ऊर्जा के अंदर, जिसे हम डब्ल्यू वर्क कहते हैं और इसे पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि जो किया गया कार्य वही ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। W बराबर टी डेल है। फिर हम क्या करेंगे, डेल ए कमान समीकरण एक से इसमें पुट कर देंगे और W कमान समीकरण एक से पुट कर देंगे, तो पी एक्स वाई डेल जेड बराबर टी और डेल ए कमान हम यहाँ पुट कर दिया, समीकरण नंबर आ गया अपने पास तीन। अब आप देखें, अब हमें ये चित्र काम में लेना है, पहले थीटा वन का मान निकालें, यहाँ से थीटा वन आएगा एक्स बटा आर वन कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्योंकि ये चाप होगा तो उसके लिए त्रिज्या ये है, ऊपर वाला चाप है तो उसके लिए त्रिज्या आर वन प्लस के डेल जेड या आर टू है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा वन इसी कोण से, इसी डायग्राम से, इसी कोण से ऊपर वाला निकालें तो ऊपर वाली क्या होगी, एक्स प्लस के डेल एक्स होगी बढ़ाने के बाद, बटे आर वन प्लस के डेल जेड, टोटल त्रिज्या हो जाएगी, तो ये चाप बटे त्रिज्या इससे हो गया। फिर यहाँ से एक्स का मान निकालें, एक्स बराबर थीटा वन है, आर वन वज्र गुणा कर दीजिए, यहाँ से निकालेंगे तो एक्स प्लस डेल एक्स बराबर थीटा वन आर वन प्लस के डेल जेड हो गया। फिर थीटा वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये थीटा वन आर वन का जो मान है उसको हम यहाँ से एक्स लिख सकते हैं अपने पास, या ये कह सकते हैं कि एक्स बराबर हम थीटा वन आर वन लिख सकते हैं, तो यहाँ जो एक्स है उसको थीटा वन आर वन लिख दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा डेल एक्स बराबर थीटा वन डेल ए जेड। यहाँ से डेल एक्स बराबर क्या होगा, थीटा वन का वापस मान रख दो, एक्स बटा आर वन हो गया। तो ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा कि डेल एक्स बराबर एक्स डेल जेड आर वन, ये हमने डेल एक्स का मान निकाला। हम बिल्कुल इसी प्रकार से डेल वाई का मान निकाल सकते हैं, जो हमारे पास दूसरा डायग्राम है, तो उस डायग्राम से हम निकालेंगे तो इसके बिल्कुल सेम, उसमें त्रिज्या आर टू है तो वाई डेल जेड अपॉन आर टू मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास डेल वाई और डेल एक्स के मान आने के बाद हम समीकरण तीन मीन मानों को पुट करेंगे यहाँ, जैसे ये डेल वाई और ये डेल एक्स यहाँ है, तो इधर बाएं पक्ष में तो सेम रहेगा पी एक्स वाई डेल जेड बराबर टी एक्स वाई डेल जेड अपॉन आर टू, यहाँ से मान रख रहे हैं डेल वाई का वाई डेल जेड अपॉन आर टू प्लस एक्स वाई डेल जेड अपॉन आर वन, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, डेल जेड कॉमन ले लीजिए, ये चीज कैंसिल हो जाएंगी, पी बराबर टी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये व्यंजक है वो दाब अधिकी का व्यंजक आएगा। अब इसमें कुछ कंडीशन रख के हम अलग अलग चीज़ों के लिए दावा लिख के निकाल सकते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे पास होता है साबुन का बुलबुला और एक द्रव की बूंद, तो उनमें दावा लिख के क्या होता है, आइए जानते हैं कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन कहती हैं कि यदि द्रव पृष्ठ गोलिया हो, यदि द्रव पृष्ठ गोलिया हो, उस के अंदर पहली कंडीशन आएगी द्रव बूंद और द्रव में स्थित वायु के बुलबुले के लिए, या तो वो द्रव की बूंद हो या द्रव के अंदर वायु का बुलबुला हो, तो उसके अंदर जो दोनों त्रिज्याएं हैं वो बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो अलग अलग रेडियस दी गई हैं, तो अगर द्रव पृष्ठ की बूंद गोली होगी तो गोले के लिए प्रत्येक त्रिज्या बराबर ही होती है, इसलिए आर वन बराबर आर टू बराबर आर आ जाएगा। यहाँ से दोनों के मान आर रखें, लघुतम लें, टूटी अपॉन आर आएगा पी का मान, यानी हमें पता लगेगा द्रव बूंद के अंदर जो दावा दिखे वो टूटी अपॉन आर होता है। फिर हम बात करते हैं यदि द्रव पृष्ठ बेलनाकार है, तो बेलनाकार के लिए उसकी एक त्रिज्या तो फिक्स है, ये रेडियस तो फिक्स है, दूसरे हम अक्ष के लिए लें तो वो रेडियस जो दूसरी वो अनंत होगी, तो दोनों तरफ बेलन क्या करती, लंबाई कितनी भी बढ़ सकती है, वो इनफाइनाइट होता है, तो आर टू का मान अनंत ले लीजिए, यहाँ से आएगा टी अपॉन आर,
तो एक बेलन के लिए दाब अधिक है वो टी अपॉन आर होगा। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, साबुन के बुलबुलाले। तो इसमें हमें बहुत बार ये अपने कन्फ्यूजन हो जाता है कि साबुन के बुलबुले में दाब अधिक कितना होता है और द्रव के बूंद में कितना होता है। तो नॉर्मली हमें ये पता है कि द्रव की बूंद में सिर्फ एक वक्र पृष्ठ होता है, यानी एक तरफ वायु होती है दूसरी तरफ द्रव होता है, तो उसमें एक ही परत होती है, इसलिए टूटी अपॉन आर होता है। और साबुन के बुलबुले में अंदर वायु होती है, बीच में द्रव होता है, द्रव की परत होती है और बाहर फिर वायु होती है, उसमें दो वायु की परतें होती हैं, इसलिए हमारे पास उसमें द्रव बूंद की तुलना में दो गुना अधिक दाब अधिक्य होता है। तो साबुन के बुलबुले में दो द्रव पृष्ठ होते हैं, अतः दाब अधिक्य द्रव बूंद वाले को दो से गुणा कर दें, पी बराबर 40/r। इन दोनों को बहुत आप ध्यान अच्छे से ध्यान रखें कि द्रव बूंद के अंदर दाब अधिक्य 20/r और साबुन के बुलबुले में 40/r होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कंपटीशन के अंदर बहुत बार ये पूछे भी जाते हैं। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देते हैं कि बूंदों और बुलबुलों में दाब अधिक्य किस प्रकार से होगा। माना एक आर त्रिज्या की द्रव बूंद है जिसके बाहर की ओर से वायु व पृष्ठ तनाव के कारण दो दाब लगते हैं। देखिए, एक तो पृष्ठ तनाव का खुद का काम है कि अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं वो एक तरीके का दबाव ही है जो द्रव की बूंद को छोटे से छोटा करने की कोशिश करेगा, यानी वो एक बाहर से दाब डालने उसकी तरह व्यवहार करता है। दूसरा दाब होता है कि बाहर से वायु दाब लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो दाब बाहर से बूंद पे लगते हैं जो उसके आकार को छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों दाबों को संतुलित करने के लिए बूंद के अंदर से बाहर की ओर एक दाब लगेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लगेगा तो आप ये समझ चुके हैं कि अगर वो नहीं लगेगा तो वो द्रव की बूंद तो खत्म हो जाएगी, वो बनी नहीं रहेगी। तो अंदर कुछ ऐसा दाब होना चाहिए ताकि वो बाहर वाले दोनों दाबों को संतुलित करें। तो अंदर से बाहर की ओर एक दाब लगता है जो बाह्य दाब से अधिक होता है, इसे ही हम दाब अधिक्य कहते हैं। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक है कि बाहर से नॉर्मली दो दाब लगेंगे, एक दाब तो पृष्ठ तनाव के कारण जो खुद उसका प्रॉपर्टी है द्रव की कि अपने आकार छोटे से छोटा करने का प्रयास करेगा और गोलाकार आकृति के लिए न्यूनतम होता है, और दूसरा वायुमंडलीय दाब। तो अगर उन दोनों दाबों को संतुलित नहीं किया जाए तो वो द्रव की बूंद वो बूंद नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। तो वो द्रव की बूंद रहे, इसलिए ये जरूरी है कि उस द्रव बूंद के अंदर एक दाब अधिक हो जो बाहर वाले दोनों दाबों को संतुलित करें। तो वो दोनों दाबों में से किसी भी एक से अधिक होगा, इसलिए उसको दाब अधिक कहते हैं। तो बूंद में केवल एक ही वक्रीय पृष्ठ होता है, अंदर सारा पानी बाहर होती है वायु, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो यदि वायु का एक बुलबुला द्रव में स्थित हो, वायु का बुलबुला द्रव में स्थित हो, तो बुलबुले के अंदर वायु के अंदर बुलबुले में एक पृष्ठ होगा तथा दाब अधिक बाह्य दाब से अधिक हो। यदि वायु का एक बुलबुला द्रव के अंदर है, हम ये कहें कि एक पात्र है उसमें पानी है, पानी के अंदर एक वायु का बुलबुला है, यानी उस बुलबुले टोटल वायु है और वायु का बुलबुला है, तो एक वक्र पृष्ठ होगा उसके अंदर और दाब अधिक बाह्य दाब से अधिक होगा, क्योंकि एक वायु का बुलबुला है तो अंदर वायु, उसके चारों ओर क्या है पानी है, तो एक ही वक्र पृष्ठ होगा। तो द्रव है वो बाहर से पी दाब है उसका, और वायु है उसके अंदर पी प्लस के स्मॉल पी होगा, ठीक है, ये दाब अधिक उसके अंदर होगा तभी वो संतुलन में रहेगा। इसी प्रकार यदि साबुन का बुलबुला हम लेते हैं तो उसमें दो पृष्ठ होते हैं, क्योंकि साबुन के बुलबुले में अंदर वायु होगी, बीच में द्रव होगा और लास्ट में फिर बाहर क्या होगी वायु होगी, इसलिए इसमें दाब अधिक 40/r होता है, ठीक है। तो फिर इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में सीधा सीधा क्वेश्चन आ भी सकता है, एक क्वेश्चन और भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कि द्रव की बूंद, द्रव में डूबे वायु के बुलबुले और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्युत्पन्न ज्ञात कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए, यानी द्रव की बूंद के लिए, द्रव में डूबे वायु के बुलबुले के लिए और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक्य के लिए आपको व्यंजक बताना है। तो हम मान लेते हैं कि आर त्रिज्या की एक द्रव की बूंद है जिसके बाहर तो अंदर दाब है पी प्लस के पी जो दाब अधिक्य है और बाहर दाब है पी, तो अंदर वाली रेडियस आर है और डेल आर से बाहर वाली रेडियस है वो मान लीजिए हम बढ़ाएंगे, वर्क करना पड़ेगा हमें उसके बढ़ाने के लिए, आर प्लस के डेल आर हो जाएगी डेल आर से बढ़ने के बाद, तो अपना आयतन बढ़ाने का प्रयास करती है इस दाब अधिक्य के कारण। हम ये मानेंगे कि उसके अंदर अगर दाब अधिक्य है और बाहर दाब पी है, अंदर दाब ज़्यादा है तो नॉर्मली सी बात है कि अंदर से दाब ज़्यादा है तो उसका आकार कुछ ना कुछ बढ़ने का प्रयास होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि वो डेल आर से उसकी रेडियस बढ़ जाती है,
और उसका आकार है कुछ इस डॉटेड लाइन की तरह हो जाएगा, यानी द्रव की मूंद बढ़ जाएगी। तो इस दाब अधिक के द्वारा वर्क कितना किया गया? वर्क क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। बल को हमें दाब और एरिया की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बल नहीं है, हम दाब की बात कर रहे हैं। तो बल को हम दाब इंटू एरिया लिखेंगे, और एक गोलाकार बूंद है जिसकी रेडियस आर है, तो उसके लिए एरिया क्या होगा? 4πr², तो पी और 4πr² डेल आर, विस्थापन डेल आर से हो रहा है, समीकरण नंबर एक आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि डेल आर से बढ़ने के बाद उसकी रेडियस बढ़ गई, तो वृद्धि तो होगी, वो वृद्धि क्या होगी? बढ़ने के बाद उसका एरिया कितना है, या और बढ़ने से पहले उसका एरिया कितना था, दोनों का अंतर होगी। तो डेल ए बराबर क्या होगा, 4πr प्लस डेल आर होगी अब उसकी त्रिज्या, स्क्वेयर माइनस 4πr². इसको सोल्व करने के बाद हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास डेल आर स्क्वेयर के पद को हम नगण्य मानेंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर डेल आर बहुत ही छोटा पद है, यानी हम ये कहें कि डेल आर बहुत ही छोटी सी परिवर्तन हुआ, बहुत ही सूक्ष्म लंबाई बड़ी, तो डेल आर स्क्वेयर उससे भी छोटा होगा, क्योंकि नगण्य हम इसीलिए मानते हैं कि अगर मान लीजिए हमने 0.1 से बढ़ाई है कि संख्या को, तो 0.1 का स्क्वेयर करेंगे तो हमें 0.11 मतलब बहुत ही छोटी संख्या मिलेगी। तो जितनी भी छोटी संख्या उसका स्क्वेयर करने से, क्यूब करने से और छोटी हो जाती हैं वो संख्याएं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें हम छोड़ देंगे डेल आर स्क्वेयर के पद को, तो हमारे पास देखो 4πr² से कट जाएगा, इसको हमने छोड़ दिया, 8πr डेल आर बचेगा, समीकरण नंबर दो। ये आ गई द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि। फिर हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव और कार्य में संबंध होता है, एक डब्ल्यू बराबर टी डेल ए, जिसे हम पृष्ठ ऊर्जा से डिनोट किया जाता है। तो समीकरण एक और दो में हम ये मान रखेंगे, तो डब्ल्यू का मान पी 4πr² इंटू डेल आर बराबर टी 8πr डेल आर, यानी ये वैल्यू डेल ए की और ये डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास समीकरण एक में ये रही। यहाँ से डेल आर कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर आएगा 2t/r, तो 2t/r आएगा, और पी समानुपाती है 1/r की, यानी दाब अधिक है वो रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस बढ़ती है तो दाब अधिक है वो कम होता जाएगा। फिर इसमें कंडीशन देख लीजिए कि दरों में डूबे वायु के बुलबुले में भी एक पृष्ठ होने के कारण दाब अधिक है वो द्रव बूंद के दाब अधिक के बराबर ही होता है। ये बात आप याद रखें कि यदि एक द्रव का बुलबुला है, सॉरी द्रव की बूंद है और वायु, द्रव के अंदर कोई वायु का बुलबुला है, दोनों का दाब अधिक सेम होगा, दोनों में एक ही मुक्त पृष्ठ होंगी, और वो होता है 2t/r। फिर है साबुन का बुलबुला, साबुन के बुलबुले में दो वक्रीय पृष्ठ होते हैं, अंदर वायु फिर द्रव फिर वायु, तो उसमें डबल हो जाएगा 4t/r। तो ये द्रव के बूंद और वायु के बुलबुले या साबुन के बुलबुले में दाब अधिक के फॉर्मूले थे। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन और है, वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के किसी द्रव की बूंद को एन छोटी बूंदों में व्यक्त करने के लिए किया गया कार्य या आवश्यक ऊर्जा का मान है वो 4πr² एनिंग 1/(-1) होगा, जबकि द्रव का पृष्ठ तनाव टी है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप भी है, एक प्रूफ करने वाला भी है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक टॉपिक ही है, ये एक टॉपिक है जो चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू इतनी ही होगी, इसको इस तरीके से ही सोल्व करना होगा, और ये थोड़ा बहुत ट्वेल्थ क्लास में भी आता ही आता है। देखिए हम शुरू करते हैं कि आर त्रिज्या की बड़ी बूंद को स्मॉल आर त्रिज्या की एन छोटी बूंदों में फुहारने पर आयतन है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपने कणित्र की बात की थी, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि होना, यानी अगर हम छोटे छोटे बूंदों में फुहारते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, ठंडक महसूस होने का मतलब उसकी एनर्जी है वो घट जाएगी, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए एक आर त्रिज्या की बड़ी बूंद जितना एरिया घेरेगी, उसी बूंद को छोटे छोटे बूंदों में तोड़ के फुहारने पर हमें वो अधिक एरिया के अंदर फैलेगी, अधिक क्षेत्रफल वो घेरेगी, इस वजह से उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो हम यही कहेंगे कि बड़ी बूंद का आयतन है वो किसके बराबर होगा, छोटी बूंदों का आयतन इंटू एन, जितनी छोटी बूंदों इनका आयतन गुणा कर दो, ये इनका टोटल आयतन है वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। बड़ी बूंद की रेडियस आर है और बूंद है वो गोलाकार होती है, तो 4/3πr³ बराबर एन इंटू 4/3πr² यहाँ से आर की क्यूब का मान हम निकालें तो यहाँ से ये हो जाएगा सोल्व, शांतन कर दीजिए, यहाँ से चीज़ें कटने के बाद अपने पास आर की क्यूब बराबर बचेगा कैपिटल आर की क्यूब अपॉन एन, और स्मॉल आर का मान आ जाएगा 1/(n³)³। समीकरण नंबर एक आ गया।
फिर हम कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई, तो फौरने के बाद कितनी पृष्ठीय क्षेत्र उससे पहले कितना था, तो डेल ए बराबर एन इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर माइनस के फोर पाई आर स्क्वेयर। तो आप क्या करें, आर स्क्वेयर का मान यहाँ से पुट कर दें, आर स्क्वेयर का मान यहाँ से पुट करने के बाद अपने यहाँ से कॉमन ले लेंगे फोर पाई आर स्क्वेयर, और एन बटा एन की दो बटा तीन बचेगा हमारे पास, जिसको हम माइनस में ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास पावर बचेगी यानी कि एक बटा तीन माइनस एक। फिर ये डेल ए का मान आ गया, उसके बाद हमारे पास डब्लू बराबर टी डेल ए का फॉर्मूला होता है, वहाँ से आप एरिया का वैल्यू रख के और वर्क निकाल सकते हैं, डब्लू बराबर टी डेल ए डब्लू बराबर टी, और ये मान रख दें डेल ए का, तो ये फॉर्मूला हमारा सिद्ध हो जाएगा जो हमें पूछा गया है। तो धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और एक बात और ध्यान रखें कि जो भी ये दावा दिखे या जो भी हम निकाल रहे हैं उसमें जहाँ भी हमें एरिया में परिवर्तन निकालना होता है वहाँ पे हमेशा फॉर्मूला लगेगा डब्लू बराबर टी डेल ए, क्योंकि प्रश्न और वर्क में रिलेशन यही देता है। तो धन्यवाद।